पुरंदरपुर अंतर्गत 65 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति को उनके ही दोनों पोतों द्वारा फायर आर्म से इंजरी करते हुए उनको घायल किया गया था, जिनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस क्रम में दो थानों की टीम और एसओजी और स्वाट की टीमों द्वारा लगातार तेजी से कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है क्रमशः दीपक पुत्र दयाशंकर, जो मृतक के पोते लगे उनके दूसरे बेटे के तीसरी पत्नी के सुपुत्र हैं ये, और साथ में इन्होंने बाहर से दो लोगों को और इस घटना को कारित करने हेतु बुलवाया था, जो मूल रूप से प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम भवन कुमार पुत्र राम केदार है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक 9 mm की पिस्टल ये बरामद की गई है। घटना में इन्होंने जो पैसे का लेन देन किया है उसके 40,000 रुपये और साथ ही दीपक की एक मोटरसाइकिल है पल्सर, ये बरामद की गई है, तथा इन दोनों के पास से दो मोबाइल फ़ोन ये बरामद किए गए हैं। और जो इसमें शेष अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी है तो लगातार पुलिस प्रयासरत है। इसमें थाने की टीम द्वारा बड़ी त्वरित और अच्छी कार्रवाई की गई है, ये सराहनीय है, और इसके लिए टीम को 15,000 रुपये का जनपद स्तर से इनाम भी दिया जा रहा है। अन्य जो शेष अभियुक्तगण अभी गिरफ्तारी हेतु शेष हैं उनके पीछे टीमें लगी हैं और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।